हे गाइस, वेलकम बैक टू यमी फूड विद मम्मी। आज हम बनाएंगे टू वेज पनीर टिक्का, और वो भी घर पर आसानी से। इसके लिए देखिए, बाउल लेंगे, उसमें 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इनको हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। उसके बाद में हम यहाँ सबसे पहले देखिए डालते हैं 1 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच ही नमक डालेंगे। और ये यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाली है। इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद पानी निकाल के हमको इसके अंदर 3 चम्मच के करीब दही डालना है। ये देखिए मैंने डाल दिया है और अच्छी तरीके से मिला रही हूँ। इसके बाद में देखिए 1/2 किलो पनीर है, उसको अच्छी साइज़ में, बड़ी बड़ी साइज़ में हमने काट लेना है। और ये देखिए डाइस में प्याज काटे हैं मैंने, ये देखिए शिमला मिर्च है। इन सबको हमने जो ये मसाला बनाया है इसके अंदर अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे। ये देखिए मैरिनेट के बाद में हम इसको 30 मिनट के लिए लगभग मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये थोड़ी सी यहाँ कसूरी मेथी और डाल दी है ताकि हमारा पनीर टिक्का और अच्छा बने। देखिए 30 मिनट बाद अब हमने ये सीख ली है, उसके अंदर देखिए एक पनीर, उसके बाद में एक शिमला मिर्च का टुकड़ा, एक प्याज का, और बस इसी तरीके से हमको सारे अपने पनीर को लगाना है। ये देखिए एक पनीर, एक प्याज और एक शिमला मिर्च, बस इसी तरीके से हमें अपनी पूरी सीख को कंप्लीट करना है। आप चाहे जितने पीस एक सीख में लगा सकते हैं, मैंने यहाँ 4 लगाए हैं। ये देखिए ये मेरी दूसरी सीख तैयार हो रही है, जितने पनीर आप चाहें लगाइए। और ये देखना गाइज, इतना बढ़िया बनेगा ये पनीर टिक्का घर पर। गैस के ऊपर बनाएंगे हम इसको। ये देखिए हमारे तीनों सीख जो हैं उसके अंदर पनीर टिक्का हमारा रेडी है। ये देखिए गैस को फुल फ्लेम पे करेंगे और उसके बाद में देखिए इस तरीके से हम पनीर को उसके ऊपर रखकर गोल गोल घुमाते रहेंगे, जिससे हमारा पनीर टिक्का जो है वो चारों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाएगा। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस समय मेरे किचन में। सारे मसाले जो हैं वो देखिए इसके ऊपर ऐसे कैसे रहेंगे, और पनीर जो है अच्छी तरीके से उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पे मैंने मेल्टेड बटर लिया है और उसको ब्रश की सहायता से इसके ऊपर लगा रही हूँ। अब हम देखिए दूसरे तरीके से पैन में बनाएंगे। उसके लिए पैन में हल्का सा हमने बटर लगा दिया, और अब देखिए पनीर के जो हमारे मैरिनेट पनीर है उसको हम रख रहे हैं, और उसी के अंदर हमारी शिमला मिर्च, प्याज जो भी है उसको हम इसके अंदर रख देंगे। इस तरीके से देखिए, कोई भी चाहे तवे पर रखिए चाहे पैन में रखिए। आँच हमारी मीडियम है, देखिए थोड़ी देर बाद हम इनको पलट लेंगे। ये देखिए तवे पर भी आसानी से पनीर टिक्का बनाया जा सकता है। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो बहुत पैसे लगते हैं इसको खाने के लिए। घर में आप 1/2 किलो 1 किलो पनीर से बनाइए और पूरे घर वाले आराम से बैठ के खाइए। ये देखिए कितना बढ़िया ब्राउन कलर आया है पनीर के ऊपर, देखिए। तो गाइस आप प्लीज़ बनाइए घर पर, चाहे तो सीख में डालकर चाहे तवे पर इस तरीके से। और प्लीज़ इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना एक बार, और देखना आपके घर में सभी को पसंद आएगी। देखिए गाइस, ये देखिए कितना बढ़िया पनीर टिक्का तैयार हुआ है। तो ये देखिए मेरी प्लेट रेडी है, दोनों तरह से पनीर टिक्का लगाया मैंने इसमें, सीख वाला और प्लेन वाला जो हमने तवे पे बनाया था। ये देखिए, ये काट के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना स्वादिष्ट पनीर टिक्का आ रहा है ना मुँह में पानी आपके। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे सबके भी मुँह में खूब पानी आ रहा है, तो हम अपना पनीर टिक्का एंजॉय करते हैं। और आप भी अपने घर में बनाइए और अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और खाइए ये पनीर टिक्का। और गाइस प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी रेसिपी अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए।